जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 62 हर्ट्ज रेजोनेंस है। उसी तरीके से जो एग्रीकल्चरिस्ट साइंटिस्ट हैं उनसे मैं कहूंगा कि जो ह्यूमन बॉडी है सेम इज द वनस्पति एग्रीकल्चर, उसकी भी जो पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर से उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी ना हो। और जो शिव योग कॉस्मिक फार्मिंग से जो फसल हो रही है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ना हो। एंड ब्रिंग दैट स्टडीज आउट। वो फसलें जो नेचुरल क्लाइमेटी में स्टडी रहती है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ना हो, और वो फसलें जो थोड़ा सा कुछ बारिश ज्यादा हुई या हेल स्ट्रोम आया खत्म हो गई डिस्ट्रॉय हो गई उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ये एक साइंस में जो नया चैप्टर शिव योग इंट्रोड्यूस कर रहा है द शिव योग कॉस्मिक मेडिसिन। तो जो व्यक्ति स्वस्थ है वो 62.5 हर्ट्ज रेजोनेंस पे वाइब्रेट कर, और अगर उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है 55 हर्ट्ज रेजोनेंस तक आ गई तो उसको फ्लू फीवर जब वो हो जाता है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो गई, कोई बीमारी आ गई तो बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो गई, या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो वो मनुष्य जो है ही इज रेडी टू वेलकम द बैक्टीरियास और वायरस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मैंने एक चीज कही थी कि 100% रूट कॉज हर बीमारी का साइकोसोमेटिक है। तो मेरे से प्रश्न पूछा गया व्हाट अबाउट द आउटब्रेक ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वेरी सिंपल, जब साइकोसोमेटिक फैक्टर नेगेटिव होगा आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लोअर होगी, और जब वो 62 हर्ट्ज से कम हो गई यू आर ओपन टू रिसीव द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। आर यू विद मी? तो जो शिव योग में हम तथ्य बता रहे हैं एक एक बहुत साइंटिफिक है, अब इसको डॉक्यूमेंट करना है टेबुलेट करना है, और उसके बाद जो स्टडी आई कि मनुष्य जो 24 घंटे दुखी है उसका थॉट प्रोसेस आपको स्टडी करना होगा कि हर समय कौन सा विचार है, प्रोग्रेसिव है पॉजिटिव है या दुखी है। तो जो कॉन्टिन्यूस एक फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट या दुखी है तो वो 55 हर्ट्ज रेजोनेंस से और नीचे ग्राफ आता है। और ये देखा गया कि जो कैंसर पेशेंट है वो 40 हर्ट्ज रेजोनेंस के दायरे में आ जाता है, 40 प्लस, तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और कम हो गई ग्रॉस। और अगर किसी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 40 से भी कम हो गई, अगर किसी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज्यादा दुखी है बहुत ज्यादा अपने कष्टों को प्रोसेस कर रहा है पास्ट इंसिडेंट्स को नेगेटिव जो भी है तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और कम होती है, और अगर वो 40 से और नीचे आ गई जहां वो 25 तक पहुंचता है 25 हर्ट्ज रेजोनेंस इज इंडिकेशन कि दिस पर्सन इज गोइंग टू डाई। अब मैंने आपसे क्या कहा, पैदा हुआ जवान हुआ ठीक है ना, उसके बाद फिर से बूढ़ा होने का मतलब
जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं आपके सेल्स में वो काम करना बंद कर गए, तो जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट करना बंद कर गया, जो बॉडी लाइफलेस हो गई, देर इज नो लेस एनर्जी। मान लो अगर 60% माइटोकॉन्ड्रियाज काम नहीं कर रहे तो 60% फैक्ट्री बंद हो गई एनर्जी प्रोडक्शन, तो 60% एनर्जी कम डाउन होता चला गया, और उसके बाद उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वो भी डाउन हो रही, और डाउन होने के बाद बूढ़ा हो गया और वो इस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। और जिस दिन वो 25 हर्ट्ज रेजोनेंस आ गया या उसके पास आ गया, तो फिर वो कहेंगे चलो इसके मुंह में वेंटिलेटर डालो, इसको सपोर्ट दो, इसके मुंह में फूड पाइप वो डालो। और वो जो बॉडी है कुछ समय रहती है और फिर वो कहते कि खत्म हो गया।